का कहर, एक की मौत, 6 गंभीर रूप से घायल। बिश्नापुर में मुर्तजा के घर पर लगा आग, आग लगने से कई घर जलकर हुए राख। इसके बाद कुछ चपेट में आए 7 लोग उपचार के लिए निजी वाहन से भेजा गया बहराइच, जिसमें उपचार के दौरान राजू वर्मा पुत्र त्रिभुवन वर्मा की हुई मौत और बचे हुए लोगों से 3 लोगों को भेजा गया लखनऊ। मौके पर आई पुलिस कर रही छानबीन कर रही है। ये पूरा मामला थाना इकौना ग्राम बिश्नापुर के पोस्ट वीरपुर खरेरिया का है, जहाँ पर जुगुलाल पुत्र प्रताप नारायण मुन्ना पुत्र आसिफ अली खलीमुन्निसा पत्नी अनवर अलीना को लखनऊ रेफर किया गया है। मृतक राजू वर्मा पुत्र त्रिभुवन वर्मा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उमेश कुमार पाठक। कहाँ रहते हैं? इसी गांव में बिश्नापुर में, ये मेरा घर है। ये आग कैसे लगी? ये आग रात में हम लोग सो रहे थे, 11 बजे के टाइम हल्ला हुआ इधर से, तो इधर सामने मौर्या जी के लड़के ने शोर मचाया, भैया आग लगी। हम उठे, अपने भाई को जगाए, भैया, और खुद तेज से आवाज़ किए। इसके बाद में हम लोग यहाँ से दौड़ते हुए गए, दौड़ते वहाँ पर गए तो वहाँ पे ये हुआ कि आग बहुत तेज़ी से लगी हुई है। तो आग इधर लगी हुई थी और उधर आदमी भी बुझा रहे थे पश्चिम तरफ से। हम लोग खड़े थे जिधर आग लगी थी उसके दक्षिण तरफ से, और दोनों तरफ से आग लगी हुई थी। और उस आग के अंदर जो है, मतलब गैस का बाटला रखा हुआ था। इसके बाद में हम लोग 101 नंबर पर फ़ोन किए, ये फायर ब्रिगेड का नंबर मोबाइल में पड़ा हुआ था, इस पर लगाए, 100 नंबर पे लगाए कि चलिए पुलिस को फ़ोन कर देंगे, तो पुलिस ही उनको नंबर दे संपर्क में बता देगी कि जाइए आप लेकर के दमकल बुझा दीजिए आग। तो पुलिस का भी नंबर नहीं, 108 नंबर, 112 नंबर, सब नंबर लगाकर हम हार गए, कोई नंबर लगा ही नहीं। पहली बात तो ये है। और इसके बाद में जो है आग नहीं लगा, आधे घंटे के बाद ऐसा विस्फोट हुआ कि बाटला हवा में, हवाई भर करके, और पश्चिम साइड में मतलब जो है गैस भरते हुए सीधा गिरा जमीन पे, और जितने लोग थे उस पे कम से कम 7 लोग घायल हो गए, जिसमें 1 लोगों की डेथ हो गई, ऐसा बताया जा रहा है। आपका? संतोष कुमार। कहाँ रहते हैं? बिश्नापुर। क्या हो, कैसे आग लगी थी? गैस फटने से लगी है आग। कितने लोग झुलसे थे? करीब 5-6 लोग झुलसे थे। 7 लोग। आपको भी चोट लगी थी? हाँ, बचाने में यहाँ पे लगा है, फिर हाथ में लगा है चोट, एक लोग बचाने के चक्कर में और जल झुलस गए, और 3 लोग। फखरापुर की आवाज़ चैनल को और पाए हर शहर की खबर सबसे पहले अपने मोबाइल पर।